सभी भाई बहनों को मेरी जय मसीह की। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भाई बहनों के लिए बाइबल के 5 ऐसे वचन लेकर आया हूँ जिनको सुनकर आपके घरों में बरकत होने लगेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जिन भाई बहनों का बिजनेस है या कोई जॉब करते हैं, पैसा आता है लेकिन टिक नहीं पाता। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनके घरों या बिजनेसों में बरकत नहीं हो पाती, लेकिन आज की इस वीडियो को देखकर जितने भी भाई बहन प्रभु के वचनों पर विश्वास करेंगे आज उनके घरों में और बिजनेसों में बरकत होने लगेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबोपदेशक अध्याय 3:13-14 वचन, और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा। पहला राजाओं अध्याय 17:14-16 वचन, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। दूसरा राजाओं अध्याय 4:43-44 वचन, उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्य के सामने इतना ही रख दूँ? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाए, क्योंकि यहोवा यो कहता है उसके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। व्यवस्था विवरण अध्याय 28:12 वचन, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। भजन संहिता अध्याय 32:8 वचन, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। इन्हीं वचनों के साथ परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष से प्रदान करे। सभी को मेरी जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।